जी बिल्कुल नूतन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यहाँ पर हैं। देखिए, कहते हैं कि सियासत में इकरार का मतलब कभी कभी इनकार भी होता है और इनकार का मतलब इकरार भी। जहां तक अर्जुन मेघवाल की बात है, सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं, सांसद थे तो 3 बार सांसद रत्न अवार्ड मिला, लेकिन उपचुनाव के बाद जो है परिणाम आया उसके बाद अर्जुन मेघवाल को लेकर कई तरह की अटकलें चर्चाएं हैं, लेकिन ये सही बात है कि वो लगातार सक्रिय रहते हैं। बाई इलेक्शन के बाद जो परिणाम आए और उसके बाद निश्चित तौर पर चूंकि आप भी बड़े नेता हैं राजस्थान के, तो ये कहीं ना कहीं चला है कि चीजों को दुरुस्त किया जाए। आपके ही मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए वेकअप कॉल थी राजस्थान के भाजपा के लिए, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो बाई इलेक्शन का परिणाम है ये वेकअप कॉल है? देखिए, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत पहलू ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ये जो उपचुनाव थे निश्चित रूप से हमारे लिए चेतावनी तो है ही, हम सुधार करेंगे और भाजपा निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आज जो मैं आपके पास आया था, नहीं किताब लेना आया था, विषय मूल रूप से ये था और आप तरह तरह मठ का आपने जिक्र किया तो मैंने कहा मैं आता हूँ, वो किताब कहाँ है सुनो भाई साधु, क्योंकि कबीर यात्रा के समय जो आपका रोल था वो इतना महत्वपूर्ण था, तो इसीलिए मैंने ये देखा कि इसमें सुनो भाई साधु में बारे में क्या, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात चल पड़ी है कि साहब जाट मुख्यमंत्री हो, राजपूत मांग करते हैं हमारी कास्ट से हो और ये सब आंकड़ा दिखा, जातिगत इधर उधर हुआ, तो क्या ये ऐसी कोई संभावना है कि दलित चेहरा भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बने? आप इस बात के पैरोकार हैं क्या? ये मेरा विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, राष्ट्रीय चिंतन का विषय, मेरा विषय है भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे मोदी जी के सिपाही हैं और पार्टी की मजबूती के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे बेहतर तरीके से करने का काम करेंगे, निभाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।